यूक्रेन च जंग लगन कारण भारतीय बच्चों के मापे काफी चिंतित ने। अज जो बच्चे वापस परत रहे ने ते उन्हां दे घर पहुंचण ते मापे सुख दा साह लै रहे ने। इस तरह ही यूक्रेन विच संघर्ष करके वापस परती पिंड चक सुकड़ दी आरजू दे परिवारक मैंबरां दे विच भी काफी खुशी दा माहौल बनिया होया। उधर जो यूक्रेन तो परती आरजू दे नाल गलबात कीती गई तां उसने दस्सिया कि हुण उत्थे रहना काफी मुश्किल है क्योंकि उत्थे खाण पीण दा कोई प्रबंध नहीं है। आरजू ने दस्सिया कि उह यूक्रेन तो पोलैंड भुक्के पाणे पैदल रस्ते राहीं अपनी मंजिल ते पहुंचे ने जिथे कि बस सर्विस अते ट्रेन सर्विस बंद हो चुकिया ने। आरजू ने भारत सरकार दी एम्बेसी तो मांग कीती है कि यूक्रेन च फसे भारतीय विद्यार्थियों नूं वापस लियाउण दा प्रबंध जल्द तो जल्द किया जाए। दूजे पासे यूक्रेन तो परती आरजू दे परिवारक मैंबरां दे विच खुशी दा माहौल है ते उह वी सरकार तों ही मंग कर रहे ने कि जल्द तो जल्द उत्थे फसे हुए बाकी भारतीय विद्यार्थियों नूं सुरक्षित वापस लियांदा जाए। माहौल तो उत्थे बहुत ही खराब आ, पता ही अपन वॉर टाइम चल रहा, बाहर इन्नी जोर जोर दियाँ आवाज़ा आदियाँ, बॉम्ब किसी टाइम कितने भी डिगे, सानू इस चीज़ का भरोसा नहीं गा कि असी हाँ निकले हाँ अपने रिस्क ते निकल के आए हाँ। अगे साढ़े नाल वधिया हो गया कि सानू एक बार बेशक नहीं मिली ट्रेन, दूसरी बार जान दे सानू ट्रेन मिल गई सी जिहदे कारण साडा अगला सारा सफ़र सही चलता गया। और इस कोई भारत सरकार ने तुहाडे नाल कोई संपर्क साधन की कोशिश की? बस सानू यही कहा गया सीगा कि तुसी जिन्नी तो जल्दी, एम्बेसी यही कह रही सी इंडियन एम्बेसी कि जिन्नी तो जल्दी निकल सकते हो तुसी निकल जाओ बट अपने रिस्क ते। ते जिहड़ा कि उत्थों तुसी निकले हो किन्ने दिनां बाद निकले हो और किस तरीके निकले हो थोड़ा हल्का? असी थर्ड डे निकले, पहला जो असी स्कूल रह रहे सी, एम्बेसी दे लागे स्कूल सीगा जिथे असी रह रहे सीगे, असी थर्ड डे निकले, साडा नहीं पॉसिबल हो पाया, सानू ट्रेन नहीं मिलेगी। ट्रेन मिली तो पर ट्रेन वाले ने चढ़न नहीं दिता गया क्योंकि वह उत्थां दे लोगों नू प्रायोरिटी दे रहे सीगे कि उन्होंने भी उन्हां दी लेडीज़ ते बच्चे वह भी छड्ड के जा रहे। तो फिर सानू असी दिन असी दो दिन बाद निकले हाँ, तो उदो सानू सीगा कि असी 100-150 बंदे बच्चे सीगे जिहड़े इकट्ठे ही निकले, पैदल निकले। हाँ जी, तो उदो बाद असी पहुँचे रेलवे स्टेशन, बहुत बहुत रश सीगा, बहुत ज़्यादा रश सीगा, बट उदो भी यही सीगा कि किसी टाइम कुछ भी हो सकता, सानू नहीं पता हैगा। जिवें जो तुम जहाज चढ़ गए तो मन से विश्वास हो गया कि साडा कि असी हुण अपने भारत। हाँ जी, उदो तो बहुत ही खुशी हुई जो साड़ी असी जो पोलैंड ही पहुँच गए, सानू उदो तो ही बड़ी खुशी होने लग गई कि फाइनली असी अपने घर पहुँच जावांगे। तो हाँ, प्लेन से जो बैठ गए उदो तो भरोसा ही हो गया कि हाँ भी घर पहुँच जावांगे। घर पहुँचने ते हुण किस तरीके दे महसूस कर रहे? बहुत वधिया महसूस हो रहा सानू, बट सानू थोड़ा जो उन्हां दा बहुत फील हुंदा जिहड़े साडे बच्चे दोस्त रह गए आ उत्थे। ठीक है, और भारत सरकार नूं की अपील करना चाहते हो? मैं भारत सरकार नूं आही अपील करना चाहुंदी हाँ कि जिहड़े बच्चे साडे रहिंदे आ उत्थे, जिहड़े साडे नाल दे स्टूडेंट्स रह रहे आ, उन्हां नूं जल्दी तो जल्दी इवैकुएट किया जाए। सानूं बहुत खुशी है कि साडी बेटी आरजू सही सलामत साडे घर आ गए ने, ते असीं भारत सरकार तों यही अपील करांगे भी जो बच्चे साडे उत्थे यूक्रेन आए ने उन्हां नूं बहुत जल्दी जल्दी लियांदा जाए, जो उत्थे रह रहे ने उन्हां दा खाण पीण ते रहण दा चंगी तरह अरेंजमेंट किया जाए। ते सब मैं आरजू दा मामा, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਟਿੰਕੂ ਨਿਖੰਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।